बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई पर दिए गए बयान की वजह से उनके और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वो कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच करेगी। इस बाबत सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी पुष्टि भी की और कहा, हमारे जो विधायक है सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया उसके उत्तर में मैंने वहाँ पे बोला कि कंगना रुनावत जो है उसके तालुकात या संबंध जो भी है शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है। और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया, इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी, इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। दरअसल शिवसेना नेता सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू की कॉपी महाराष्ट्र सरकार को सौंपी, जिसमें अध्ययन सुमन ने कंगना पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग का सेवन करती हैं और उन्हें भी जबरन इसका सेवन कराया था। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी कंगना से जुड़े ड्रग लिंक्स की जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर ये बात सच है तो उन्हें ड्रग की सप्लाई कौन करता था। एनसीबी को कंगना से जुड़े मामले की भी तफ्तीश करनी चाहिए और अब इसीलिए इन्हीं आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।